माध्यम से मैं ऑटोकैड के दो स्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला है मेरा स्टैंडर्ड स्किल और दूसरा है इनोटेटिव स्किल्स। चलिए इसे समझने के लिए मैं अपने ऑटोकैड एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इसे समझाने के लिए मैं दो सिंपल सा टू डायमेंशनल ड्राइंग लूंगा। मैं रेक्टेंगल ही लेता हूँ फिर से, और ये मेरा रेक्टेंगल है। एक कॉपी मैं इसकी और बना लेता हूँ। एक में मैं स्टैंडर्ड लूंगा स्केल और दूसरे में जो है मैं इनोटेटिव स्केल लूंगा। तो पहले एक टेक्स्ट भी मैं लेता हूँ, यहाँ टेक्स्ट क्लिक करने पर ये टेक्स्ट आया। थोड़ा सा इसको जूम मैं कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो है मेरा स्टैंडर्ड है, तो सबसे पहला वाला जो ड्राइंग है मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा, तो इसलिए इसका टेक्स्ट स्टैंडर्ड सही है। नया स्टैंडर्ड डाल रहा हूँ और ये टेक्स्ट भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, STANDARD स्टैंडर्ड। दूसरा मैं हैश इसके अंदर फील करता हूँ। हैश के लिए मैं ये सिंबल पर लेफ्ट क्लिक किया, इस सिंबल पर, और रेक्टेंगल के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी बाउंड्री बाउंडेड है, तो रेक्टेंगल के अंदर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये शेडेड आ चुका है। मैं इसको क्लिक करूंगा। इसे मुझे जो है स्टैंडर्ड सेट करना है, तो ये इनिशिएटिव नहीं होगा, ये ऑलरेडी अब स्टैंडर्ड पर आ चुका है। अगर इनिशिएटिव सिलेक्ट करना रहता तो इस पर मैं क्लिक करता इंटर। अब बात आई डायमेंशन की, मैं एक डायमेंशन भी देता हूँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हूँ। तो डायमेंशन देने के लिए मैं सबसे पहले डी टाइप करूंगा, जो कि डायमेंशन स्टाइल के लिए है। डी टाइप करने के बाद स्टैंडर्ड यहाँ है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ही होता है, और इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं डायमेंशन यहाँ देता हूँ, मैंने इसका डायमेंशन दिया, आप देख सकते हैं 6.4276। फिर मैंने इसका डायमेंशन दिया, आप देख सकते हैं ये है। मैंने फिलहाल जो है स्टैंडर्ड स्केल का एप्लीकेशन अप्लाई जो किया है वो हैच पर किया है, टेक्स्ट पर किया है और डायमेंशन पर किया है। अब मैं दूसरे वाले स्केल को अप्लाई ये दूसरे वाले फिगर में करता हूँ, तो फिर से मैं यहाँ टेक्स्ट लूंगा। मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ मैं टेस्ट लूंगा। इसके साथ ही मेरा प्रॉपर्टी विंडो ये खुल कर आ गया है। यहाँ पर मैं जो सिलेक्ट करूँगा एनोटेटिव पर क्लिक करूँगा, ये एनोटेटिव मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ वही नाम लिख देता हूँ
नेगेटिव। अब हैच की बारी, हैच में फिर से मैं हैच कमांड लूंगा, ठीक बीचों बीच मैं क्लिक करूंगा, ये हैच हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं यह एनोटेटिव भी क्लिक है, तो ये एनोटेटिव फॉर्म में हैच है। अब डायमेंशन लेने की बारी है, डायमेंशन के लिए फिर से मैं डायमेंशन पर क्लिक किया। डायमेंशन लेने से पहले आपको डायमेंशन स्टाइल में जाके चेंज करना होगा, इसके लिए मैंने डी टाइप किया। एनोटेटिव पर क्लिक करके इसको सेट करेंट करना होगा, मैंने यहाँ सेट करेंट किया और इसको क्लोज किया। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, डी मैंने इंटर किया, आप देख सकते हैं एनोटेटिव मेरा सिलेक्ट हो चुका है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड था। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसमें डायमेंशन में लेता हूँ, डायमेंशन में लूंगा यहाँ से 1 और 1 मैं विड्थ के लिए लेता हूँ, ये मेरा दूसरा डायमेंशन। अब जो एनोटेटिव का स्केल जो होता है मेरा, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला सिंबल, ये एनोटेटिव का होता है। पहला वाला है एनोटेशन ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, दूसरा वाला है ऐड स्केल एनोटेटिव व्हेन द एनोटेशन चेंज है, और तीसरा वाला जो है ये स्केल करंट व्यू, ये रेशियो का है। मैं जो जो आप इसकी रेशियो अगर बढ़ाते जाएंगे, तो 1:2 यदि करूँगा तो आप देख सकते हैं डायमेंशन में चेंजेज आया। इसके सेडेड जो किया था उसमें लाइन में के बीच गैप आ चुका है, इसके टेक्स्ट का हाइट चेंजेज हो चुकी है। मैं और इससे आगे बढ़ता हूँ, यदि 1:4 करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये और ये बढ़ चुका है। एनोटेटिव, ये एनोटेटिव स्केल है। अब जो है जब मैं इस स्केल की बात करूं, तो इस स्केल का जो है डायमेंशन या फिर इन लाइनों के बीच में गैप, आप डबल क्लिक करके यहां आसानी से स्केल बढ़ाकर, जैसे स्केल मैंने यहाँ जो स्केल है मैंने 2 किया, आप देख सकते हैं स्केलिंग यहाँ से बढ़ गए। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि इकट्ठा एक साथ सभी का डायमेंशन बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट का जो है हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट हाइट है ये 0.2, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से टेक्स्ट हाइट बढ़ा सकते हैं। मान लिया अगर मैंने टेक्स्ट हाइट 3 रखा, इंटर किया, आप देख सकते हैं ये बढ़ा 5 रखा, देख सकते हैं टेक्स्ट हाइट इस से ये बढ़ता है। और डायमेंशन के लिए फिर अलग मुझे डायमेंशन स्टाइल में जाकर इसे बढ़ाना होगा। इसे डायमेंशन स्टाइल में मान लिया जाए, मैंने डी डाला यहाँ, अभी तो एनोटेशन में है, स्टैंडर्ड में जाके ये सेट करेंट करना है। मॉडिफाई में जाते हुए सिंबल लाइन प्राइमरी यूनिट टेक्स्ट, टेक्स्ट का हाइट जो है यहाँ से
अपना एक डाल दो तो क्लिक कर दो, ये भी क्लोज कर दो। आप देख सकते हैं वहां से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस टेंडर में जो भी डायमेंशन बढ़ता है या टेक्स्ट की हाइट बढ़ती है या सेडिट के बीच में गैप बढ़ता है तो वो पार्टिकुलर सेटिंग में जाकर हमको चेंज करना होता है। लेकिन एनोटेशन में जो है एक जगह से ये सारे के सारे कंट्रोल होते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से स्टैंडर्ड एंड एनोटेटिव स्केल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।